गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? और क्या हाल चाल है गाइस? आप लोग बताइए कमेंट में। मेरा हाल चाल ठीक है गाइस। आज मंगलवार है दिन, तो मैंने देखिए पूजा कर लिया है गाइस। मैं हर मंगलवार को दिया जलाता हूँ गाइस, वैसे सब दिन जलाता हूँ, लेकिन आज कुछ मंगलवार को मेरा, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ गाइस, तो आज मैंने आकर अच्छे से फ्रेश होकर, ऑफिस से आकर फ्रेश होकर मैंने दिया वगैरह जला दिया है गाइस। और ये देखिए मेरी बाबू, पता नहीं क्या उसमें, मैम ने दिया इसको वीडियो, वो उसको बोली लर्न करके आप आइएगा कल, नहीं तो अगर जो लर्न नहीं करेगा उसको एग्ज़ाम में से 50 मार्क्स काट देंगी गाइस। ऐसा तो जून हम लोग के भी टाइम में नहीं होता था। आजकल का पढ़ाई गाइस बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। सो हम लोग बहुत ही लकी थे कि जो अच्छे से पढ़ लिख कर इतना आगे निकल आए हैं। सो आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत ही समझदार है गाइस। तो ऑल द बेस्ट मेरे बाबू को, और आप भी बोल दीजिए ताकि वो अच्छे से ये लर्न करके अपनी मैम को सुना ले गाइस। सो मैं पूजा वूजा कर लिया होगा, उस पूजा करने के बाद मैं फिर किचन में गया था, और किचन में देखा था तो काफ़ी सारा काम फैला हुआ था, तो मैंने साफ़ सफाई कर लिया था। साफ सफाई करने के बाद देखिए साफ़ सफाई हो चुका है गाइस। साफ सफाई करने के बाद फिर मैं आया दूध लेकर, दूध नहीं था गाइस। देखिए मैं दूध उबाल रहा हूँ गाइस, ये देखिए दूध है गाइस, दूध उबल चुका है एकदम अच्छे से। और एक चीज़ और दिखाना था आप लोगों को गाइस, मैं अभी जस्ट देखिए दोस्तों, मेरा बिल्लो रानी का जो ये एम्पलीफायर था, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि जो बिगड़ चुका था, वो फाइनली बन चुका है गाइस। सो देखिए, और मैंने उसको अच्छे से ऊपर के साइड में प्लेस कर दिया है ताकि चूहा इसको ना गिरा सके। इस बार तो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन गिर गया था तो मेरी बैड किस्मती है। मैंने बंद कर दिया है गाइस, दूध अच्छे से खोल चुका है, तो मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम में गाइस। और आज जैसा कि आज मैं तो आ गया हूँ, अभी मेरी वाइफ नहीं आई है। जैसा मैंने बताया था गाइस, वो मेरी वाइफ जो है वो ब्यूटिशियन है गाइस, वो बहुत ही अच्छा मेकअप करती है गाइस। जो एक बार उसे मेकअप कराता है वो बार बार आता है। सो इसलिए जितनी भी ब्राइडल हैं, साइड मेकअप्स हैं, मेरी वाइफ जो है वो काफ़ी व्यस्त रहती है गाइस। सो आज से उनका बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, सो आज उसको आने में लेट होगा गाइस। सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब आएगी, क्योंकि मुझे इनविटेशन में जाना है गाइस। ऑफिस के स्टाफ के यहाँ कुछ छोटा सा फंक्शन है गाइस, सो मुझे जाना है। सो मैं वेट कर रहा हूँ, जब वो आ जाएगी तो फिर मैं जाऊँगा गाइस, और जाकर फिर आऊँगा जल्दी से, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है गाइस। सो जाना है, क्योंकि थकावट है गाइस। ऑफिस के स्टाफ है, सो साथ में काम कर रहे हैं गाइस। अगर आप नहीं जाओगे किसी के साथ जिसके साथ हमेशा उठ बैठ रहे हो, तो वो अच्छा नहीं मानेगा गाइस। सो अब मेरी वाइफ आ जाती है, तो फिर मैं जाऊँगा जल्दी से होकर आऊँगा। सो देखते हैं कब तक आती है, लेट्स सी, वेट विल बी वेट। तो गाइज मैं हो गया रेडी, और मेरे बिल्लो रानी का फ़ोन आया था गाइज, क्योंकि वो उसको आने में लेट होगा गाइज। तो उसने बोला कि आके मुझे रिसीव कर लो और घर पे ड्रॉप कर दो, तो मैं जा रहा हूँ उसको लेने शॉप से गाइज उसके। सो उसको ड्रॉप कर घर पे, फिर मैं जाऊँगा पार्टी में। सो पार्टी में से आता हूँ गाइज, फिर आप लोग से मुलाकात होगी, और फिर रात को शुभ रात्रि बोलकर सोऊंगा गाइज। तो देखिए मैं जा रहा हूँ अपने वाइफ को लेने, कुछ दिख रहा होगा अंधेरे में, ये है हमारे मैडम के पार्लर का रास्ता, और मेरे बिल्लो रानी का पार्लर ये जस्ट देखिए आ गया है सामने, जहाँ पर ये बाइक खड़ी है उसी के ठीक सामने ये है हमारे बिल्लो रानी। मैंने अपने बिल्लो रानी को ले लिया है, पिकअप कर लिया है गाइस। देखिए ये मेरे पीछे है, उसने फेस कवर किया है गाइस, तो उसने अपना फेस नहीं दिखाने का वादा किया है। पता नहीं क्या रीज़न है, बंद करवाओगे तब मैं अपना फेस रिवील करूँगी गाइस। ये पीछे मेरे बैठी है गाइस, मैं ड्रॉप करूँगा घर पर, फिर उसके बाद पार्टी करूँगा गाइस। ये है फेस्टिवल दिया है, प्लीज़ जल्दी से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ताकि आपका जल्दी से मन भी हो जाए, फिर इसने आपको अपना फेस दिखा। दोस्तों मैं पार्टी में आ चुका हूँ दोस्तों, और मैंने बोला था अपने बिल्लो रानी से कि चलो तुम भी, और बाबू से भी बोला था, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्लो रानी तो थक चुकी है और बाबू को सुबह स्कूल जाना है। तो मैं
जहाँ भी जाता हूँ गाइस अकेला ही जाता हूँ, क्या करूँ मजबूरी है दोस्तों, वो लोग तो आती नहीं मेरे साथ तो मुझे अकेला ही जाना पड़ता है, क्या करूँ। चलिए ठीक है, अभी पार्टी जस्ट स्टार्ट हुई है गाइस, तो फिर मैं नाश्ता पानी करूँगा और खाना खा के फिर घर चलता हूँ, घर चल के आप लोगों से मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों मैं घर पे आ गया हूँ गाइस पार्टी में से, और पार्टी में से आने के बाद देखिए अब मैं गाड़ी को घर पे रखूँगा, घर के अंदर रखूँगा गाइस, ये मेरा अंदर घर है, गाड़ी अंदर खड़ा करके गाइस मैं ऊपर चल के आपसे मिलता हूँ। ये गाइस मैं घर के ऊपर आ चुका हूँ और मेरी बिल्लू रानी का काफ़ी फ़ोन आ गया, तो गाइस देखते हैं अंदर चलते रूम में क्या उनका मिजाज मूड है। तो देखिए मैंने खाना खाने के बाद पान खाया था इसलिए जो मुंह का अंदर का रंग है वो लाल लाल हो गया गाइस, तो चलिए अंदर चलते हैं। और देखिए मैं पान भी लाया हूँ मीठा, क्योंकि मेरे बिल्लू नारी को मीठा पान बहुत अच्छा लगता है गाइस, तो चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा मूड है उनका। तो गाइस घर के अंदर आ गया हूँ गाइस कमरे में और देख रहा हूँ गाइस मेरी बिटिया रानी सो चुकी हैं देखिए, और मेरी बिल्लो रानी भी ज़्यादा गुस्सा नहीं है, ठीक है उनके लिए मीठा पान लाया हूँ तो खाकर उनका मूड एकदम मीठा मीठा हो जाएगा, फिर देखते हैं उसके बाद बात करेंगे क्या हुआ। और फिर अब चलते हैं गाइस, खाना खा लिया है सो चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, उठना है जल्दी है गाइस, सो मिलते हैं सुबह फिर। प्लीज़ आप लोग से एक विनती है गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल्सो बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा नया नया वीडियो जैसे ही आए सबसे पहले मेरे YouTube फैमिली को मिले, और मेरे मित्रों भाइयों बहनों आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइस। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट सुड ड्रीम्स, टेक केयर, आप लोग अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए गाइस, मिलते हैं सुबह, बाय।